अब ये वेद परमात्मा की वाणी है, लेकिन एक प्रश्न और आ रहा है, जरा सावधान होकर उत्तर देंगे, ये वेद का ज्ञान किसके लिए है? बहुत सुंदर, किसके लिए है बोलो? मनुष्य। अच्छा, खाली क्या वेद का ज्ञान आर्य समाजियों के लिए है, सनातनियों के लिए हो, खाली हिंदुस्तानियों के लिए हो? नहीं, बल्कि किसके लिए है बोलो? मनुष्य मात्र के लिए है। वेद परमात्मा ने दिए हैं, केवल सनातनियों का कल्याण वेद नहीं करता, केवल हिंदुओं का कल्याण वेद नहीं करता है, वेद सारे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा ने वेद का ज्ञान हमको बोलो दिया है। लेकिन एक प्रश्न और आ रहा है कि कितना है? वेद के मायने बोलो ज्ञान से है, ये ज्ञान परमपिता परमात्मा का है, किसके लिए है? तो मनुष्य मात्र के लिए है। और एक प्रश्न आ रहा है बोलो कितना है? तो बताओ जरा कितना है वेद, कितना है वेद? तो एक शब्द आपने प्राय सुना होगा, उपनिषदों में सुना होगा, या ऋषियों के माध्यम से कथानकों में आपने एक शब्द सुना होगा, नेति नेति। और नेति नेति का मतलब क्या है? न इति न इति न इति, अर्थात इतना नहीं है, इतना नहीं है, इतना नहीं है, और है और है और है, अर्थात जितना जितना प्राप्त करते चले जाओगे उतना उतना आपको प्राप्त होता चला जाएगा। जितना मानव को आवश्यक था उतना परमात्मा ने वेद के माध्यम से हमको बोलो दे दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा अनंत है, परमात्मा सीमित नहीं है, परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, परमात्मा के अनंत गुण हैं, और अनंत गुण होने से उसका ज्ञान भी बोलो अनंत है। इसलिए परमपिता परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सीमित नहीं है लोगों, वो जितना जिसको आवश्यक है उतना प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए ये निश्चित रूप से जानो कि वेद के मायने ज्ञान, ये ज्ञान परमपिता परमात्मा का है, किसके लिए है बच्चों? मनुष्य मात्र के लिए है। कितना है? कि जितना जिसको चाहिए उतना बोलो है। लेकिन एक सवाल बड़े गजब का आ रहा है, अब देखते हैं इसका उत्तर कौन देगा, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। बहुत सुंदर। अच्छा जरा मुझे बताओ, वेद संस्कृत भाषा में है तो संस्कृत किस देश की भाषा? बहुत सोच समझ के, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बहुत ईमानदारी से उत्तर देना, संस्कृत किस मुल्क की, किस देश की भाषा है? बहुत सुंदर, कुछ उत्तर आया है, लेकिन मैं आप लोगों से स्पष्ट करता चलूं, संस्कृत किसी भी मुल्क किसी भी देश विशेष की भाषा बोलो नहीं है। आप प्रश्न उठाएंगे, मैं समाधान कर रहा हूं, संस्कृत किसी देश विशेष की भाषा बोलो नहीं है, संस्कृत मनुष्य मात्र की भाषा है। आप कहेंगे जी संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा कैसे है? अच्छा विचार करके देखना बंधुओं, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं मनुष्य मात्र की भाषा कैसे है संस्कृत। यह मैं सिद्ध करके जाऊंगा, आज मेरे मूल विषय यही है कि आपकी समझ में आना चाहिए कि वेद है क्या, वेद का ज्ञान क्या है, यह प्राप्त कैसे होता है, और वेद के माध्यम से ईश्वर हमको बताना क्या चाहते हैं, और हमें सुख कैसे मिलेगा, यह उद्देश्य मेरा। तो आप जानिएगा, समझिएगा संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा कैसे। अच्छा, एक देश है भारत और एक आपका पड़ोसी देश है नेपाल, एक पड़ोसी देश है चीन, अर्थात बचाओ मुझे भारत की और चीन की भाषा अलग अलग है या एक है? बहुत अच्छा, अलग अलग है। अच्छा, एक बच्चा भारत में पैदा हुआ और एक बच्चा चीन में पैदा हुआ, तो अलग अलग जगह पर पैदा होने वाले दोनों बच्चों की रोने चीखने चिल्लाने की आवाज एक है या अलग? क्यों, भाषा तो अलग अलग है सबकी। जरा विचार करके देखना, भाषा सबकी अलग अलग है, लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद रोने चीखने चिल्लाने की आवाज सबकी क्या है बोलो? एक है। और ये कैसे रोता है बच्चा? मैं एक मौलिक उदाहरण दे रहा हूं आपको, वेद को पकड़ने का उदाहरण दे रहा हूं। और जब बच्चा पैदा होता है बंधुओं, तो बच्चा अगर रोता नहीं है तो दाई मां क्या करती है? उस बच्चे को उठाएगी, उसकी पीठ पर हाथ मारती है ऐसे, और अगर रोता उसको रुलाना चाहती है, और बच्चा कैसे रोता है? आ ई ऊ।
अब इस चीज को पकड़िए कि बच्चा कैसे रो रहा है आ ई ऊ, और ये आ ई ऊ जो है इनको संस्कृत में क्या कहा गया है, ये वर्णमाला के स्वर है। और जिस भाषा में स्वर होते हैं वही भाषा कहलाती है। ऋषि दयानंद लिखते हैं वर्णोच्चारण शिक्षा में, क्या कहते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वर है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की सहायता ना लेनी पड़े वो क्या है, बोलो, स्वर है। और ये बारह कड़िया ए आ ई ई ऊ ये संस्कृत में है केवल। आप कहेंगे जी हमने तो बहुत सारी भाषाओं को पढ़ा है, स्वर तो और भी भाषाओं में है। अब जिस भाषा में स्वर है वो अपने संस्कृत बताई है, लेकिन हमने तो अंग्रेजी को भी पढ़ा है, अंग्रेजी में भी स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं बच्चों अंग्रेजी में, कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अच्छा आई को लिख के दिखाना जरा, आई को कैसे लिखेंगे हिंदी में, आ प्लस ई। अच्छा एक भाषा और है, देखो दो से संयुक्त हो गया, दो से जुड़ा है आ और ई, आई बना तब, आ है क्या वहां पर, कहां से लिया है? ये संस्कृत से लिया है। एक भाषा और है जिसको आप उर्दू कहते हैं, उर्दू का पहला ही अक्षर है अलिफ, अलिफ ले बेते से आप पढ़ते होंगे, पुराने लोग बैठे तो वह जानते होंगे। अच्छा अलिफ स्वर है उनका, लिख के दिखाना जरा अलिफ को कैसे लिखोगे, आ ल ई और बोलो फ। अच्छा ल और फ क्या है वहां पर, व्यंजन है। और ए है क्या उनके पास में, ये कहां से लिया, ये संस्कृत से ही लिया है। इसलिए मैं बहुत गंभीरता पूर्वक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि ए आ, और हमारे यहां तो बड़ी गजब की बात है संस्कृत में, आ एक नहीं है, कितने हैं बोलो, दो है, किसी भी भाषा के पास नहीं है, एक आ है एक आ है। तो ये जो ए आ बारह कड़िया है ये केवल संस्कृत में है। और जिस समय बच्चा पैदा, अलग अलग देश में होने वाला बच्चा पैदा होता है, एक दिन तो एक मौलाना जी, क्योंकि हमारी बातचीत होती रहती है, चर्चा होती रहती है लोगों से, तो कहने लगा आप कैसे मानते हो कि बच्चा संस्कृत भाषा में रोता है, संस्कृत भाषा में बोलता है और संस्कृत मनुष्य मात्र की भाषा है। हमने कहा आपके यहाँ अरब में एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा फॉरेन कंट्री में इधर पैदा हुआ कनाडा में अमेरिका में, एक भारत में पैदा हुआ, रोने चीखने चिल्लाने की आवाज सबकी अलग होगी, कैसी है कि एक है। अच्छा जरा बताओ अरब में एक बच्चा पैदा हुआ तो अरब में बच्चा पैदा होके रोता होगा मोहम्मद मोहम्मद ईसा ईसा, या भारत में पैदा होकर के बच्चा रोता होगा राम राम सीता सीता, नहीं रोता। बच्चा पैदा होता है और रोने के बाद उसके मुख से, उसके अंदर से, उसके अंतःकरण से जो आवाज सबसे पहले निकलती है वो क्या है, जरा जोर से बोल दो, आ, आ। इसलिए मैं निवेदन किया कि संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा है, और यदि संस्कृत भाषा न होती, वेद की भाषा संस्कृत न होकर के दूसरी कोई भाषा हो जाती तो परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगता ना। क्या कहते लोग, यदि हिंदी में हो जाता वेद तो, दूसरे लोग कहते, अंग्रेज लोग कहते, या ये जितने भी अरब के लोग हैं पक्ष, और कैसा पक्षपाती है परमात्मा कि उसने वेद का ज्ञान हमारी भाषा में नहीं दिया। इसलिए परमात्मा ने किसी मुल्क की किसी देश की भाषा में वेद का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि वेद का ज्ञान संस्कृत भाषा में होने से कल्याणमय है, कल्याण करने वाला है। और इसी वेद के ज्ञान पर ईमान लाने के पश्चात, इसी वेद के ज्ञान को समझने के पश्चात व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है, और यही ऋषि वरदयानंद ने कहा। स्वामी दयानंद का मानना यही था। स्वामी दयानंद पूरी दुनिया से विरले, दुनिया से अलग क्यों थे, लोगों इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ने की बात कही है, लेकिन एकमात्र ऋषिवर स्वामी दयानंद हुए हैं जिन्होंने एक नारा दिया और वो सबको विपरीत लगा। क्या नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। क्यों, क्योंकि वेदों की ओर यदि हम लौटेंगे तो हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। वेदों के अंदर सुख है, और यह मुझे कब पता चला, मुझे तब पता चला कि इस देश के जो सबसे बड़ी साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट है, इस देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है, उसके चीफ बोलते इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
उसके चीफ डॉक्टर सोमनाथ उस दिन कहते हैं जिस दिन चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी कहां पर, साउथ पोल। और जब चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत एकमात्र पहला देश भारत ऐसा बना है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर की है, चंद्रमा पर। और जब ये हो गई पूरे देश ने उत्सव मनाया, देश के माननीय प्रधानमंत्री ने उत्सव मनाया देश के साथ में। और जब वैज्ञानिकों से बात हुई तो डॉक्टर सोमनाथ ने जो बात बोली तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया और मुझे मेरे ऋषि पर बड़ा गर्व हुआ। डॉक्टर सोमनाथ उस समय कहते हैं कि जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान अरब के रास्ते से यूरोप में गया। यानी ये जो आज साइंस डेवलप हो रहा है, ये जो विज्ञान डेवलप हो रहा है, ये सारा वेदों से निकला है, सोमनाथ बोलते हैं, डॉक्टर सोमनाथ, इसरो के चीफ। और ये कहां से गया? अरब के रास्ते से होते हुए ये सारा का सारा फॉरनर कंट्रीज के अंदर चला गया है। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले भी तो अंग्रेज यहां थे, तो 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले एक भी आविष्कार हुआ क्या? लेकिन जब से अंग्रेजों ने भारत के अंदर पैर रखे हैं, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, और इस देश के अंदर आ जाने मात्र से इतने सारे आविष्कार कैसे हो गए एकदम से? इतने सारे नोबल प्राइजेस, इतने सारे इन्वेंट हुए साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों की देन रही है लोगों, ये वेदों की देन रही है। बशर्ते हम आलसी बन गए, प्रमादी बन गए, हमने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, वेद को हमने केवल पोगे पंडितों के गीत मान लिए हैं, और ऐसा मान करके जब से हम चलने लगे हैं ये विस्तृत ज्ञान हमसे दूर होता चला गया बंधुओं। इसलिए ज्ञान वेद का केवल केवल और केवल आध्यात्मिक सुख नहीं देता है, साथ साथ भौतिक सुख भी देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहला नारा, मैं बार बार कहता हूं, ये लगाया है कि किस तरफ लौटो बोलो, वेदों की ओर लौटो।